सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चित शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मुझे पता लगा काफ़ी सारे लोग कमेंट में भी कर रहे थे, काफ़ी सारे लोगों को ऑफर लेटर आने शुरू हो गए, मतलब आज या कल में काफ़ी सारे लोगों को मैसेज आया। मेरे पास मेल पर भी काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए और कमेंट बॉक्स में भी मैसेज आए कि तो यार सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशंस कि आप भी अब LTI का पार्ट होने वाले हो, अब बन चुके हो, होने के वाले हो। और जो क्वेरी आ रही थी सबसे ज़्यादा कि अब जो आ रही है वो ये आ रही है कि भैया यार डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरत पड़ते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरत है कि नहीं, तो ये सारी क्वेरीज आ रही थी। तो आज की वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे जब हमारा ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद में कुछ दिनों का टाइम मिला था हमें। लास्ट टाइम तो ऐसे हुआ था कि कुछ दिनों के टाइम में हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने थे, उनका पोर्टल होता उस पर, तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरत होती है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मतलब एजुकेशन डिटेल्स वगैरह हो गई, आपका होम एड्रेस वगैरह हो गया और आपका फैमिली बैकग्राउंड हो गया, मम्मी पापा वगैरह, ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत वो पूछते हैं चीज़ें, तो वो भरनी होती है, हमको फिल करनी होती है। उसके बाद में जो चीज़ें फिर बचती हैं कि आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपकी अब तक अगर 7 सेमेस्टर के हुए हैं अब तक, तो 7ों सेमेस्टर की मार्कशीट है आपके पास, तो वो आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, नहीं तो अभी फ़िलहाल के लिए आप जो ऑनलाइन पोर्टल से आती है वो भी आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में वो मांगते हैं कि आपके पास आधार कार्ड तो मस्ट है ही यार, हर जगह लगता है वो आधार कार्ड। आधार कार्ड, पैन कार्ड ये तो आपको ज़रूर लगेगा ही लगेगा, ठीक है, इन दोनों को तो आप संभाल के रखना। आधार कार्ड तो ज़्यादातर सारे लोगों पर होता है, लेकिन पैन कार्ड नहीं होता तो आपके पास नहीं है तो पहले तो बनवा लेना, उसे जल्दी से बनवा लो, वो काम करवा लो, तो वो लगेगा लगेगा। और बाकी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन चीज़ों पे, कि ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, भैया ये दोनों भी चाहिए, ये तो है ही नहीं हमारे पास में। हाँ तो यार ज़्यादातर हम लोग इस एज ग्रुप में होते हैं कि हम लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, तो लेकिन अभी के लिए वो मैंडेटरी नहीं होते हैं, मेरे टाइम पे नहीं थे वो मैंडेटरी, लेकिन वो बाद में ज़रूरत पड़ती है, मतलब आप बनवा के रख लोगे पासपोर्ट वगैरह तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए काम आता ही रहेगा, तो वो आप बाद में बनवा सकते हो, पर अभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो इसकी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, उसे आप खाली भी छोड़ सकते हो। लेकिन जो हमारा पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अगर आपके पास समय है जल्दी से जल्दी बनवा सकते हो तो बनवा लो। मेरे पास भी नहीं था जब मैंने अपनी कंपनी में डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करे थे, लेकिन उसके बाद में मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह बनवा लिया था। ड्राइविंग लाइसेंस था मेरे पे पहले से, लेकिन मैंने बाद में अपना पासपोर्ट बनवा लिया था, अप्लाई कर दिया था, तो वो 1-1.5 महीने में बन के आ गया था घर पर। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना अगर आपकी कोई क्वेरी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।